हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो रिजल्ट आ रहे हैं इंट्रेंस टेस्ट 2023 सेशन का, इस साल सेशन का। तो आपको जो रिजल्ट चेक करना है तो आपको यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ देखोगे। हम लोग बात करेंगे सेकेंड लिस्ट को लेकर। आप यहाँ देखोगे, ये आपका ऑफिशियल साइट हो गया। आपको इसको करके नीचे की ओर जाना होगा, और जैसे ही नीचे की ओर जाओगे आपने रिजल्ट यहीं से चेक किया होगा। यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ एडमिशन, एडमिशन वाले सेशन में आपको जो यहाँ पर लिखा हुआ एडमिशन रिजल्ट, आपने रिजल्ट यहीं से चेक किया होगा। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये जो रिजल्ट वाले पेज ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ देखोगे कोर्स टाइप, आपको कोर्स टाइप पे सिलेक्ट करना होगा। बहुत सारे कोर्सों का रिजल्ट आ चुके हैं, और अभी जिनका नहीं आया है, और जैसे ही आएगा आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप यहाँ बैचलर में अपने बैचलर सिलेक्ट किया होगा, इसी प्रकार अपने कोर्स नेम पे आपको जिस कोर्स का आपको चेक करना होगा आपने उसका सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो कैप्चर दिए गए, इस कैप्चर को आपने यहाँ पर इंटर कैप्चर में फिल किया होगा, और आपने सर्च बटन को क्लिक किया होगा, और रिजल्ट आया होगा तो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अगर नहीं आया होगा तो आपका रिजल्ट यहाँ शो नहीं करेगा। तो आपने ऐसे रिजल्ट को चेक किया होगा। हम लोग बात करते हैं सेकेंड लिस्ट को लेके। तो आपका जैसे ही फर्स्ट लिस्ट आया होगा तो आपने देखा होगा उनका एडमिशन कराने के लिए आपको डेट दिया गया होगा। जैसे कि आपका जो एडमिशन कराने के लिए आपका जो डेट दिया गया है 17 जुलाई से आपका 20 जुलाई तक, तो इनका जो फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन कंप्लीट हो रहा 20 जुलाई तक, यानी आपका फर्स्ट लिस्ट का जो कंप्लीट होगा 20 जुलाई तक। जो आप लोग का सेकेंड लिस्ट को लेके आप कमेंट आ रहा था, तो सेकेंड लिस्ट आपका जब तक से फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा आपका सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा, और सेकेंड लिस्ट में उन्हीं बच्चे का नेम रहेगा जिनका वेटिंग लिस्ट में नेम रहेगा। तो आपका जो जैसे कि यहाँ पर 20 जुलाई का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकेंड लिस्ट जो आएगा, तो फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट के जो बीच में डिफरेंट जो होते हैं टाइमिंग जो रहते हैं डे, तो आपका 15 से 20 डेज लग जाते हैं सेकेंड लिस्ट को आने में। तो जैसे कि आपका देखा होगा कि जिसका लास्ट डेट जो एडमिशन कराने के लिए जो डेट दिया गया है 20 जुलाई, तो उसका जो आएगा सेकेंड वीक ऑफ द अगस्त के आ जाएंगे सेकेंड लिस्ट को लेके, जिसके 10 डेज इसमें हो जाएंगे। फिर उसमें भी आपका जो डेट हो जो डे हो जाएगा 15 से 20 डेज तक हो जाएगा आपका सेकेंड लिस्ट आने में। और जैसे ही आएगा आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। आपका अगर कोई भी डाउट रह जाए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो तो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।